हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज सारिका सिंह. वेलकम टू अध्ययन अड्डा. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने रॉकिंग वन लाइनर्स के बारे में, जो कंप्यूटर के बारे में आप लोग को बहुत सारी चीजें सिखाएंगे. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने वन लाइनर्स को. फर्स्ट है यहाँ पर, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? यूनिक्स होता है. कौन सा? यूनिक्स. नेक्स्ट इज सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? एक प्रिंटेड आउटपुट है. क्या है ये? एक प्रिंटेड आउटपुट है. सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कि आप लोग कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, और उसको अगर आप हार्ड कॉपी में लेते हैं, यानी कि उसका प्रिंट करा लेते हैं, तो वो कैसा होता है? प्रिंटेड आउटपुट कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाती है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हाई डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं. जब भी आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप कोई भी डाउनलोड करते हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो वो क्या मांगता है? आपसे इंस्टॉलेशन मांगता है. ठीक है. नेक्स्ट इज नेविगेशन कुंजी किन्हें कहा जाता है? जो नेविगेशन कुंजी यानी कि नेविगेशन कीज होती हैं, वो क्या होती हैं? जिन कुंजी पर तीरों एरो के निशान लगे होते हैं. ठीक है. आप लोगों ने लैपटॉप में या कंप्यूटर के कीबोर्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके के एरोज के निशान लगे हुए होते हैं. ठीक है. राइट लेफ्ट और अप डाउन के, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको नेविगेशन कीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? नेविगेशन कीज बोलते हैं. नेक्स्ट इज किसी बिंदु पर कर्सर की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? ब्लिंकिंग कहा जाता है. क्या कहा जाता है? ब्लिंकिंग. नेक्स्ट इज कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका क्या है? यूपीएस. आप देखते हैं ना, यूपीएस लगा लेते हैं कंप्यूटर में अगर आपको प्रॉपर उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो. ठीक है. नेक्स्ट इज HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो इसमें किसकी जरूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की. किसकी? टेक्स्ट एडिटर की. नेक्स्ट आपका एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन पूछ रहा है क्या है? तो उसका .xls. क्या है? .xls. नेक्स्ट आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रारंभिक कार्य क्या कहलाता है? तो सबसे प्रारंभिक कार्य क्या कहलाता है? बूट. क्या कहलाता है? बूट. नेक्स्ट शिक्षा संस्थान सामान्यता अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? जो भी शिक्षा संस्थान से जुड़ी हुई होती हैं, उनका जो डोमेन नेम होता है, जो एड्रेस होता है, जो वेब एड्रेस होता है, उसका जो डोमेन नेम होता है, वो क्या होता है? .edu. क्या होता है? .edu. ये एजुकेशन से रिलेटेड है तो .edu. ठीक है. तो यहाँ पर आपका जो लेक्चर है वो 10 वन लाइनर्स पर ही है. जितने भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये. तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी. थैंक यू.